खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा की लगातार हो रही जनसभा। 28 लोकसभा खीरी से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अंशय कालरा ने लगातार गांव में जाकर जनसभा करते हैं, सरकार की कमियां बताते हैं। गोला में कालरा ने जनता से कहा, ऐसे व्यक्ति को वोट देने से क्या फायदा जो जीतने के बाद जनता का हाल ना जाने। भाजपा की सरकार झूठे वादे करती है और जाति धर्म पर वोट मांगती है। अब की बार भाजपा हटाओ देश बचाओ। आपने सांसद चुना जो आपका राज्य गृह मंत्री बना, जो आपके वोटों से इतने ऊंचे पद पर जाके बैठा, क्या वह आपकी सुध लेने आया, आपसे मिलने आया? क्या उसने जानकारी करी कि जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे वोट दिया, वो जीवित भी हैं कि मर गए? बताइए मुझे। तो ऐसे व्यक्ति को वोट देके क्या लाभ जो आपके ही विपक्ष में काम करता हो, जो आपका संविधान आपसे छीनना चाहता हो, या ऐसी पार्टी से क्या फायदा जो आपसे आपका अधिकार छीन ले, जिस अधिकार के लिए हमने सालों संघर्ष किया, एक मतलब जिससे हमने सशक्ति बल पाई और 50-50, 100-100 साल हमने जो जीवन बिताया अंधेरे में, उससे बाहर हम निकल गया है तो सिर्फ अपने संविधान से निकल गया है। और आज वह संविधान